हेलो दोस्तों, मिंता रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं कच्चे केले की सब्जी। कच्चे केले की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम केला लेंगे और उन्हें अच्छे से धुल लेंगे और दोनों साइड का भाग कट कर लेंगे, फिर छील लेंगे। छीलने से पहले आप चाकू और हाथों में अपने तेल लगा लें और प्लेट में, चॉपिंग बोर्ड में भी, क्योंकि कच्चे केले चिपचिपे होते हैं। इन्हें हम पूरी तरह से छील लेंगे। वीडियो पूरा देखना। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं कोई भी रेसिपी डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यह सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। टिफिन के लिए आप ऑफिस या बच्चों के लिए भी, लंच बॉक्स के लिए आप बना सकते हैं। बच्चे भी बहुत अच्छे से खाते हैं सब्जी को। पूरे केला हम ऐसे छील लेंगे, छील करके रख लेंगे। जैसे हमारे केला पूरे छिल जाएंगे, उसके बाद हम कट कर लेंगे। ऐसे ही पूरा केला काट लें। अपनी चाकू में और हाथों में तेल लगा करके हमारे केला कट गए हैं। अब हम इनमें कुछ मसाले डालेंगे, क्योंकि हमें फ्राई करना है। लाल मिर्च पाउडर, छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और छोटी चम्मच नमक डाल करके हाथों से थोड़ा सा तेल लगा करके मिला देंगे। यहाँ पर हम एक पैन रखेंगे, उसमें एक चम्मच तेल डाल करके अपने केला फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से सब्जी मैश नहीं होती, कुरकुरे हो जाते हैं। ऐसे ही हम पूरे केला फ्राई कर लेंगे, पलटा पलटा करके। अच्छे गोल्डन फ्राई हो जाएंगे हमारे केला। थोड़ा सा पानी डाल करके 1 मिनट के लिए और फ्राई कर लेंगे ढक करके। हमारे केला अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे, 1 चम्मच मेथी, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 चुटकी हींग डाल करके इन्हें अच्छे से चटका लेंगे।
जैसे हमारी जीरा चटक जाए उसके बाद हम एक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, अच्छे से बारीक काट लेंगे और इसे भी 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, इसे भी 1 मिनट तक भून लेंगे हम। यहाँ पर हम एक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे, 1 मिनट तक उसे भून लेंगे। जैसे ही हमारा टमाटर पिघल जाएगा उसके बाद हम कुछ मसाले डालेंगे, जैसे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल करके मिला देंगे और 1 कप पानी डाल करके मसाला अच्छे से पका लेंगे। 1 मिनट तक पका लेंगे। जैसे मसाला पक जाएंगे उसके बाद हम अपनी सब्जी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे, हल्के हाथों से मिलाइए। यहाँ पर हम 1 गिलास पानी डाल करके सब्जी पका लेंगे। एक छोटी चम्मच हम यहाँ पर अमचूर पाउडर डाल देंगे, अमचूर पाउडर बाद में डालें। और ढककर कर 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। हमारी सब्जी पककर तैयार है। अब हम अपनी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। बच्चों के टिफिन के लिए या आप ऑफिस के लिए सब्जी को आप बनाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।